राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज सोमवार के दिन अमावस्या तिथि मैं आपके लिए लाई हूँ सोमवती अमावस्या की कथा। बंधुओं, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस कहते हैं। बंधुओं, सोमवती अमावस का बहुत ही अधिक महत्व है। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या को यदि पीपल की पूजा की जाए तो स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहती हैं, क्योंकि पीपल में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास है और साथ ही पीपल में माँ लक्ष्मी का वास और पीपल में पितरों का भी वास है। बंधुओं, यदि सोमवती अमावस्या को पीपल में कच्ची लस्सी चढ़ाई जाए और फिर काले तिल चढ़ाए जाएं और कुछ पताशे चढ़ाए जाएं, ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं और सभी को ढेरों भरपूर आशीर्वाद देते हैं। यदि पितर तृप्त हैं तो मनुष्य के काम बनते चले जाते हैं, किसी काम में उनके रुकावट नहीं आती। बंधुओं, सोमवती अमावस्या को सुबह सूर्योदय से पहले उठें और अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल में कच्ची लस्सी चढ़ाकर पीपल की 108 परिक्रमा जरूर करें। बंधुओं, ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, साथ ही स्थिर लक्ष्मी का आपके यहाँ वास होगा। बंधुओं, ऐसा करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा भी जरूर सुनें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, पितृदेव की जय। एक व्यक्ति के 7 बेटे और 1 बेटी थी। उसने अपने सभी बेटों की शादी कर दी, परंतु बेटी की शादी ना हुई। एक भिक्षु रोज उनके यहाँ भिक्षा मांगने आता। वह उस व्यक्ति की बहुओं को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता, परंतु बेटी को कोई आशीर्वाद नहीं देता था। बेटी ने अपनी माँ से यह बात कही तो माँ ने इस बारे में भिक्षु से पूछा, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। इसके बाद लड़की की माँ ने एक पंडित जी को बुलवाया और उन्हें बेटी की कुंडली दिखलाई। पंडित जी ने कहा, बेटी के भाग्य में विधवा बनने का योग लिखा है। माँ ने परेशान होकर उपाय पूछा तो उसने कहा कि लड़की सिंगल द्वीप जाकर वहाँ रहने वाली सोमा नाम की धोबिन से सिंदूर लेकर माथे पर यदि लगाती है और सोमवती अमावस्या का व्रत करती है तो यह अशुभ योग दूर हो जाएगा। इसके बाद माँ के कहने पर छोटा बेटा अपनी बहन के साथ सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गया। रास्ते में समुद्र देख दोनों चिंतित होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। मादा गिद्ध जब भी बच्चों को जन्म देती, एक सांप उसे खा जाता। उस दिन नर और मादा गिद्ध बाहर थे और बच्चे घोंसले में अकेले थे। इस बीच सांप आ गया तो गिद्ध के बच्चे चिल्लाने लगे। यह देख पेड़ के नीचे बैठी साहूकार की बेटी ने सांप को मार डाला। जब गिद्ध और उसकी बेटी लौटे तो अपने बच्चों को जीवित देखकर बहुत खुश हुए
और लड़की को धोबिन के घर जाने में मदद की। लड़की ने कई महीनों तक चुपचाप धोबिन महिला की सेवा की। लड़की की सेवा से खुश होकर धोबी ने लड़की के माथे पर सिंदूर लगाया। इसके बाद रास्ते में उसने एक पीपल के पेड़ के चारों ओर घूमकर परिक्रमा की और पानी पिया। उसने पीपल के पेड़ की पूजा की और सोमवती अमावस्या का व्रत रखा। इस प्रकार उसके अशुभ योग का निवारण हो गया। बंधुओं, यदि आप भी सोमवती अमावस्या को पीपल की परिक्रमा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तो आपको भी अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा। बंधुओं, मैं आपको बता रही हूँ, सोमवती अमावस्या के दिन कुछ इस प्रकार करें जिससे आपके काम बन जाएं। सोमवती अमावस्या के दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। बंधुओं, सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि पीपल की 108 परिक्रमा करें या फिर तुलसी की 108 परिक्रमा करें तो दरिद्रता खत्म हो जाती है। इस दिन मौन व्रत भी रख सकते हैं। यदि मनुष्य सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहता है तो उसे 1000 गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।